प्रेरितों के कामों का वर्णन अध्याय एक। हे थियुफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में की और करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब वो उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ू परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों में छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वो फिर आएगा। तब वे जैतून नाम के पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सप्त के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। जब वहां पहुंचे तो वे उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना, याकूब और अंद्रियास, फिलिपुस और थोमा, बर्तुलमाई और मत्ती, हलफाई का पुत्र याकूब, शमौन, जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 100 व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वो लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु को पकड़ने वालों का अगवा था, पहले से कही थी, क्योंकि वो तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियां निकल पड़ी, और इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहां तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लोहू का खेत पड़ गया, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है जिसका उपनाम युस्तुस है, दूसरा मत्तित्याह को, और ये कहकर प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है ये प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है,
कि वो इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तित्याह के नाम पर निकली, सो वो उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। अध्याय 2। जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और इलामी लोग और मिसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिसर और लिबुआ देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारणा करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है? परंतु औरों ने ठट्ठा करके कहा कि वे तो नई मदिरा के नशे में है। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु ये वो बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू हो जाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। हे इसराइलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी को जब वो परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया तो तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ा कर जिलाया, क्योंकि वो होनहार था कि वो उसके वश में रहता, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंद हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा
आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वो तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। सो भविष्य द्वक्ता होकर और ये जानकर कि परमेश्वर ने मुझे शपथ खाई है, मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। उसने होनहार को पहले ही देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दहिन हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया है कि जो तुम देखते हो और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिनी बैठ जब तक के मैं तेरे बोरियों को तेरे पांवों तले की चौकी न कर दूं। सो अब इसराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसने तुम्हें क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं सांझे की थी, और अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। अध्याय 3। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर है, बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। सो वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया, और वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, तो सब लोग बहुत अचंभा करते हुए
उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इसराइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलता फिरता कर दिया। इब्राहिम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इंकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इंकार किया और विनती की कि एक हथियारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ्य दी है। और निश्चय उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। और अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि ये काम तुमने अज्ञानता से किया और वैसे ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के मुख से पहले ही बताया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, इन्हें उसने इस रीति से पूरी की। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए और वो उस मसीह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही ठहराया गया है। अवश्य है कि वो स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वो सब बातों का सुधार ना कर ले जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की ना सुने, लोगों में से नाश किया जाएगा। और सामुएल से लेकर इसके बाद वालों तक जितने भविष्यद्वक्ताओं ने बात कही, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। तुम भविष्यद्वक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादाओं से बांधी, जब उसने इब्राहिम से कहा कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हरेक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। अध्याय 4। जब वे लोगों से ये कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। और उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे यरूशलेम में इकट्ठे हुए और उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वो क्यों कर अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इसराइली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। ये वही पत्थर है
जिसे तुम राज मिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो अचंभा किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं, और उस मनुष्य को जो अच्छा था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे कि हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है, और हम उसका इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि ये इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखलाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो ही नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना वो न कहें। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे, क्योंकि वो मनुष्य जिस पर ये चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए, और महायाजकों और पुरनियों ने उनसे जो कुछ कहा था उनको सुना दिया। ये सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसे तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुंतियुस पीलातुस भी अन्य जातियों और इसराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करें। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाएं, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था, और उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसी जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। और यूसुफ नाम कुप्रुस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबा अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिए। अध्याय 5। और हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ी, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग
लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। परंतु पत्रस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पत्रस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वो भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ इतने में। पत्रस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वो तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया, और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को ये हियाव ना होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि पत्रस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे ढहा से भरकर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्ग दूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे ये सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। परंतु महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इसराइलियों के सब पुरनियों को इकट्ठे किया और बंदी गृह में कहला भेजा कि उन्हें लाए। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदी गृह में ना पाया और लौटकर संदेश दिया कि हमने बंदी गृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई न मिला। जब मंदिर के सरदार और महायाजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि यह क्या हुआ चाहता है। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया कि देखो, जिन्हें तुमने बंदी गृह में बंद रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बरबस नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि उन्हें पत्थर बाना करें। उन्होंने उन्हें फिर लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया और महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो अभी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पत्रस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराकर अपने दाहिनी हाथ से सर्वोच्च कर दिया कि वो इसराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। ये सुनकर वे जल गए
और उन्हें मार डालना चाहा। परंतु गमलियेल नाम एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इसराइलियो, जो कुछ इन मनुष्यों से किया चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियोदास ये कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूं, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वो मारा गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा, उसने कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वो भी नाश हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और उनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्यों की ओर हो तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य ठहरे, और प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। अध्याय 6। उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को, जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नाम एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस, प्रोखुरुस, निकानोर, तीमोन, परमिनास और आंताकी वाला निकुलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। याजकों का एक बड़ा समाज भी इस मत के अधीन हो गया। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से, जो लिब्रतीनों की कहलाती थी, और कुरेनी और सिकंदरिया और किल्किया और एशिया के लोगों में कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था वे सामना न कर सके। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे कि हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें करते सुना है, और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ाए और उसे पकड़कर महासभा में ले गए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा कि ये मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उसे ये कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं। तब सब लोगों ने, जो सभा में बैठे थे, उसकी ओर ताक कर उसका मुखड़ा स्वर्गदूत का सा देखा। अध्याय 7। तब महायाजक ने पूछा, क्या ये बातें यूं ही हैं? उसने कहा,
हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता इब्राहिम हारान में बसने से पहले जब मिसोपोटामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा कि तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वो कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा और उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो, और उसको कुछ मीरास बरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह ना दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं ये देश तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी न था और परमेश्वर ने यूं कहा कि तेरी संतान के लोग पराए देश में परदेशी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और इसके बाद वे निकलकर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे। और उसने उससे खतने की वाचा बांधी और इसी दशा में इसहाक उससे उत्पन्न हुआ और 8वें दिन उसका खतना किया गया, और इसहाक से याकूब और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम ठहराया। तब मिस्र और कनान के सारे देश में अकाल पड़ा जिससे भारी क्लेश हुआ और हमारे बाप दादों को अन्न नहीं मिलता था। परंतु याकूब ने ये सुनकर कि मिस्र में अनाज है हमारे बाप दादों को पहली बार भेजा, और दूसरी बार यूसुफ अपने भाइयों पर प्रकट हो गया और यूसुफ की जाति फिरौन को मालूम हो गई। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुंब को जो 75 व्यक्ति थे बुला भेजा। तब याकूब मिस्र में गया और वहां वो और हमारे बाप दादे मर गए, और वे शिकिम में पहुंचाए जाकर उस कब्र में रखे गए जिसे इब्राहिम ने चांदी देकर शिकिम में हमोर की संतान से मोल लिया था। परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया जो परमेश्वर ने इब्राहिम से की थी, तो मिस्र में वे लोग बढ़ गए, जब तक के मिस्र में दूसरा राजा न हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था, वे बहुत हो गए। उसने हमारी जाति से चतुराई करके हमारे बाप दादों के साथ यहां तक दुर्व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित न रहें। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ जो बहुत ही सुंदर था। वो 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया, परंतु जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वो बातों और कामों में सामर्थी था। जब वो 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करूं। उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। उसने सोचा कि मेरे भाई समझेंगे कि परमेश्वर मेरे हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने न समझा। दूसरे दिन जब ये आपस में लड़ रहे थे तो वो वहां आ निकला और ये कह के उन्हें मेल करने के लिए समझाया कि हे पुरुषो, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो? परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था उसने उसे ये कहकर हटा दिया कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? क्या जिस रीति से तूने कल मिस्री को मार डाला मुझे भी मार डालना चाहता है? ये बात सुनकर मूसा भागा और मिद्यान देश में
परदेशी होकर रहने लगा और वहां उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्ग दूत ने सीनई पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। मूसा ने उस दर्शन को देखकर अचंभा किया। जब देखने के लिए वो पास गया तो प्रभु का ये शब्द हुआ कि मैं तेरे बाप दादों इब्राहिम इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। ये सुन मूसा कांप उठा, यहां तक कि उसे देखने का हियाव ना रहा। तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पांवों से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में हैं दुर्दशा देखी है, उनकी आह और उनका रोना सुन लिया है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूं। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। जिस मूसा को उन्होंने ये कहकर नकारा था कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्ग दूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखा कर उन्हें निकाल लाया। ये वही मूसा है जिसने इसराइलियों से कहा कि परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्य वक्ता उठाएगा। ये वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्ग दूत के साथ सीनई पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि वो हम तक पहुंचाए, परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना ना चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसे देवता बना जो हमारे आगे आगे चलें, क्योंकि ये मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ। उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी मूरत के आगे बलि चढ़ाया और अपने हाथों के कामों में मग्न होने लगे। सो परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाश गण पूजें, जैसा भविष्य वक्ताओं की पुस्तक में लिखा है कि हे इसराइल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि मुझ ही को चढ़ाते रहे, और तुम मोलेक के तंबू और रिफान देवता के तारे को लिए फिरते थे, अर्थात उन आकारों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था। मैं तुम्हें बाबुल के परे ले जाकर बसाऊंगा। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था, जैसा उसने ठहराया जिसने मूसा से कहा कि जो आकर तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहां ले आए, जिस समय के उन्होंने उन अन्य जातियों का अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने से निकाल दिया, और वो दाऊद के समय तक रहा। उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, सो उसने विनती की कि मैं याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान ठहराऊं, परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्य वक्ता ने कहा कि प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांवों तले की पीढ़ी है, मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे, मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा, क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्य वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया,
उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्वकाल से संदेश देने वालों को मार डाला। अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्ग दूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दाग पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक चित होकर उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर पत्थरवा करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नाम एक जवान के पांव के पास उतार रखे और वे स्तिफनुस को पत्थरवा करते रहे। और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर सो गया। शाऊल उसके वध में सहमत था। अध्याय 8। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। और भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीमिया को उजाड़ रहा था। वो घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीही का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से झोले के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए। उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। इससे पहले उस नगर में शमौन नाम एक मनुष्य था जो टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बताता था। सब छोटे से बड़े तक उसे मानकर कहते थे कि ये मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने टोने के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस की प्रतीति की जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने आप भी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर वो फिलिपुस के साथ रहने लगा और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्माएं पाए, क्योंकि वो अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पत्रस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नाश हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। इस बात में न तेरा हिस्सा है न बांटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शमौन ने उत्तर दिया कि तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना पड़े। सो वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए
और सामरियों के बहुत गांवों में सुसमाचार सुनाते गए। फिर प्रभु के एक स्वर्ग दूत ने फिलिपुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अज्जा को जाता है और जंगल में है। वो उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा था और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वो भजन करने को यरूशलेम आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो। फिलिपुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो ये था कि वो भेड़ की नाई वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठाया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जंगल में पहुँचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब किस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा के ले गया। सो खोजे ने उसे फिर न देखा और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया और फिलिपुस अशदूद में आ निकला और जब तक केसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। अध्याय 9। और शाउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था महायाजक के पास गया। उसने दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। वो भूमि पर गिर पड़ा और उसने ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए और वो 3 दिन तक ना देख सका और उसने ना कुछ खाया ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जाओ जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है और उसने हनन्याह नाम
एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याय ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी इसको महायाजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि ये तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याय उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। वो कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और वो तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जिस नाम को लेते थे नाश करता था, और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर महायाचकों के पास ले जाए। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसके मार डालने की युक्ति निकाली, परंतु उनकी युक्ति शाऊल को मालूम हो गई। वे तो उसके मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर लगे रहे थे, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे लेकर टोकरे में बैठाया और शहर पनाह पर से लटकाकर उतार दिया। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का उपाय किया। वे सब उससे डरते थे क्योंकि उनको प्रतीत न होती थी कि वो भी चेला है। परंतु बरनबा ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनसे कहा कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की, फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। वो उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा। वो निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसके मार डालने का यत्न करने लगे। ये जानकर भाई उसे केसरिया में ले आए और तरसुस को भेज दिया। सो सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई, और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती जाती थी। और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहां उसे एनियास नाम झोले का मारा हुआ एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ, अपना बिछौना ठीक कर। तब वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। और लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नाम एक विश्वासनी रहती थी। वो बहुतेरे भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वो बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। और इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था, चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की कि हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिए और जब पहुंच गया तो वे उसे उस अटारी पर ले गए, और सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और लोथ की और देखकर कहा,
हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित और जागृत दिखा दिया। ये बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया और पतरस यापा में शमोन नाम किसी चमड़े का धंधा करने वाले के यहां बहुत दिन तक रहा। अध्याय 10। केसरिया में कुर्नेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शमौन चमड़े की धंधा करने वाले के यहाँ पहुंच, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वो स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने दो सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुँचे, तो दो पहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और वो कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयार कर रहे थे तो वो बेसुध हो गया। उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। उसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि, हे पतरस उठ मार और खा। पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। तीन बार ऐसा ही हुआ। तब तुरंत वो पात्र आकाश पर उठा लिया गया। जब पतरस अपने मन में दुविधा कर रहा था कि ये दर्शन जो मैंने देखा क्या है, तो देखो वे मनुष्य जिन्हें कुर्नेलियुस ने भेजा था शमोन के घर का पता लगाकर देवड़ी पर आ खड़े हुए। वे पुकार कर पूछने लगे, क्या शमोन जो पतरस कहलाता है यही पाहुन है? पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख तीन मनुष्य तेरी खोज में है, सो उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतर कर उन मनुष्यों से कहा, देखो जिसकी खोज तुम कर रहे हो वो मैं ही हूँ, तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कुर्नेलियुस सुबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से ये चेतावनी पाई है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की और दूसरे दिन वो उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कई उसके साथ हो लिए। दूसरे दिन वे केसरिया में पहुंचे और कुर्नेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठे करके उनकी बाट जो रहा था। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुर्नेलियुस ने उससे भेंट की और पांवों पड़के प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ, और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है
कि किसी मनुष्य को पवित्र या अशुद्ध न कहूं। इसीलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया हूं। अब मैं पूछता हूं कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है। कुर्नेलियुस ने कहा कि इस घड़ी पूरे 4 दिन हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा था कि देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुर्नेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। इसलिए किसी को याफा भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वो समुद्र के किनारे शमौन चमड़े के धंधा करने वाले के घर में पाहुन है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। उसने इसराइलियों के पास वचन भेजा और उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है, उन्हें शांति का सुसमाचार सुनाया। वो बात तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदा में फैल गई, कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको, जो शैतान के सताए हुए थे, अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काठ पर लटकाकर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है। सब लोगों को नहीं, वरन उन गवाहों को जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हमको, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करें और गवाही दें कि वो वही है जिसे परमेश्वर ने जीवतों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पत्रस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आए, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पत्रस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पत्रस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारी नई पवित्र आत्मा पाया है। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि कुछ दिन हमारे साथ रहे। अध्याय 11। और प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में आए थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। और जब पत्रस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे कि उसने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया। तब पत्रस ने उन्हें आरंभ में क्रमानुसार कह सुनाया, मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर मैंने दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से उतरकर मेरे पास आया। जब मैंने उस पर ध्यान दिया तो पृथ्वी के चौपाए और वन पशु और रंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी देखे, और ये शब्द भी सुना, हे पतरस, उठ, मार और खा। मैंने कहा, नहीं प्रभु, नहीं,
क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं गई। इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कह। तीन बार ऐसे ही हुआ, तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया और देखो तुरंत तीन मनुष्य जो केसरिया से मेरे पास भेजे गए थे उस घर पर जिसमें हम थे आ खड़े हुए। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ बेखटके हो लेने को कहा। ये छह भाई भी मेरे साथ ही हो लिए और हम उस मनुष्य के घर में गए। उसने बताया कि मैंने एक स्वर्ग दूत को अपने घर में खड़ा देखा जिसने मुझसे कहा कि याफा में मनुष्य भेजकर शमोन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। वो तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वो वचन स्मरण आया जो उसने कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो जबकि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। सो जो लोग उस कलेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फीनीके और कुप्रुस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। परंतु उनमें से कितने कुप्रुसी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे, और प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। तब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई और उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वो वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहें। वो एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वो शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया और जब उससे मिला तो उसे अंताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वे एक वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंताकिया में आए। उनमें से अकबुस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से ये बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, और वो अकाल क्लौदियस के समय में पड़ा। तब चेलों ने ठहराया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सेवा के लिए कुछ भेजे, और उन्होंने ऐसा ही किया, और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। अध्याय 12। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला, और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़कर बंदी गृह में डाला और रखवाली के लिए चार चार सिपाहियों के चार पहरों में रखा, इस मनसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था तो उसी रात पतरस दो जंजीरों से बंधा हुआ दो सिपाहियों के बीच में सो रहा था। पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे तो देखो प्रभु का एक स्वर्ग दूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी,
और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ फुर्ती कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु ये ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो सचमुच है, वरन ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है। वो उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए। इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। ये सोचकर वो उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रुदे नाम एक दासी सुनने को आई और पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वो दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। सो उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित हो गए। तब उसने उन्हें हाथ से सहन किया कि चुप रहे और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से मुझे बंदी गृह से निकाल लाया है। फिर कहा कि याकूब और भाइयों को ये बात कह देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल होने लगी कि पतरस का क्या हुआ। जब हेरोदेस ने उसकी खोज की और ना पाया तो पहरुओं की जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले जाएं। और वो यहूदिया को छोड़कर केसरिया में जा रहा। वो सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था। सो वे एक चित होकर उसके पास आए और ब्लास्तुस को, जो राजा का एक कर्मचारी था, मनाकर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था और ठहराए हुए दिन हेरोदेस राज वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठकर उनको व्याख्यान देने लगा। इस पर लोग पुकार उठे कि ये तो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्ग दूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा ना की और वो कीड़े पड़ के मर गया। परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। जब बरनबास और शाउल अपनी सेवा पूरी कर चुके तो यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेकर यरूशलेम से लौटे। अध्याय 13। अंताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और शमोन, जो नीगर कहलाता है, और ल्यूकियस कुरेनी, और देश की चौथाई के राजा हेरोदेस का दूत भाई मनाहेम और शाउल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। सो वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलुकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर कुप्रुस को चले। सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया और यूहन्ना उनका सेवक था। उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नाम एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। वो सिरगियुस पौलुस सूबे के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाउल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका सामना करके सूबे को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाउल ने,
जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को नहीं देख सकेगा। तब तुरंत धुंधलाई और अंधेरा उस पर छा गया और वो इधर उधर टटोलने लगा कि कोई उसका हाथ पकड़कर ले चले। तब सूबे ने जो हुआ था देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज खोलकर पंफुलिया के पिरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया और पिरगा से आगे बढ़कर वे पिसिदिया के अंताकिया में पहुंचे और सबके दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए और व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद सभा के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा कि हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से सहन करके कहा, हे इसराइलियों और परमेश्वर से डरने वालों, सुनो। इन इसराइली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया और जब ये लोग मिस्र देश में परदेशी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की और बलवंत भुजा से निकाल लाया। वो कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा। कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 450 वर्ष में इनकी मिलास में कर दिया। इसके बाद उसने सामुएल भविष्यद्वक्ता तक उनमें न्यायी ठहराए। उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा, तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। फिर उसे अलग कर दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इसराइल के पास एक उद्धार करता अर्थात यीशु को भेजा, जिसके आने से पहले यहुन्ना ने सब इसराइलियों को मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार किया। और जब यहुन्ना अपना दौर पूरा करने पर था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो, मैं वो नहीं, वरन देखो मेरे बाद एक आने वाला है जिसके पांव की जूती मैं खोलने योग्य नहीं। हे भाइयों, तुम जो इब्राहिम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने ना उसे पहचाना और ना भविष्य द्वक्ताओं की बातें समझी जो हर सप्त के दिन पढ़ी जाती हैं। इसलिए उसे दोषी ठहराकर उनको पूरा किया। उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें ना पाया तो भी पिलातुस से विनती की कि वो मार डाला जाए। और जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया और वो उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा। लोगों के सामने अब वे ही उसके गवाह हैं और हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी ये सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसे दूसरे भजन में भी लिखा है कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी कि वो कभी ना सड़े, उसने यूं कहा है कि मैं दाऊद पर की पवित्र और अचल कृपा तुम पर करूंगा। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है कि तू अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वो सड़ने नहीं पाया। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो
कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहराता है। इसलिए चौकस रहो, ऐसा ना हो कि जो भविष्य वक्ताओं की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े कि हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी प्रतीति ना करोगे। उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सप्त के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं। और जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुतेरे पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए, और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। अगले सप्त के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, आवश्यक था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जबकि तुम उसे दूर करते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। ये सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए, परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा, परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के बड़े लोगों को उकसाया, और पौलुस और बरनबास पर उपद्रव करवाकर उन्हें अपने सिवानों से निकाल दिया। तब वे उनके सामने अपने अपने पांवों की धूल झाड़कर इकुनियम को गए, और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे। अध्याय 14। इकुनियम में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों के आराधनालय में साथ साथ गए और ऐसी बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया, परंतु ना मानने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उकसाए और बिगाड़ दिए, और वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे, और वो उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी, इससे कितने तो यहूदियों की ओर और कितने प्रेरितों की ओर हो गए। परंतु जब अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान करने और उन्हें पत्थरबाह करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े, तो वे इस बात को जान गए और लुकाउनिया के लुस्त्रा और दिर्बे नगरों में और आसपास के देशों में भाग गए और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वो जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। उसने ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वो उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। और उन्होंने बरनबास को जूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि ये बातें करने में मुख्य था, और जूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपक गए और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो?
हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया है। उसने बीते समय में सब जातियों को अपने मार्गों पर चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वो भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। ये कहकर भी उन्होंने लोगों को कठिनता से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें, परंतु कितने यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस को पत्थरवा किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट कर ले गए। पर जब चेले उसकी चारों ओर आ खड़े हुए तो वो उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिर्बे को चला गया और वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियम और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो और ये कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। वे पिसिदिया से होते हुए पंफूलिया में पहुँचे और पिर्गा में वचन सुनाकर अतालिया में आए और वहाँ से जहाज पर अंताकिया में आए, जहाँ वे उस काम के लिए परमेश्वर के अनुग्रह को सौंपे गए थे जो उन्होंने अब पूरा कर दिया था। वहाँ पहुँचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने हमारे साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। वहाँ वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे। अध्याय 15। फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो ये ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कितने और व्यक्ति इस बात के विषय में यरूशलेम को प्रेरितों और प्राचीनों के पास जाएं। सो मंडली ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फीनीके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फेरने का समाचार सुनाते गए और सब भाइयों को बहुत आनंदित किया। जब यरूशलेम में पहुंचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किए थे। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से कितनों ने उठकर कहा कि उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देना चाहिए। तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। बहुत वाद विवाद के बाद पत्रस ने खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें, और मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारी नाई पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे ना हमारे बाप दादे उठा सके थे और ना हम उठा सकते हैं। हाँ, हमारा ये तो निश्चय है कि जिस रीति से वो प्रभु यीशु के अनुग्रह के उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। तब सारी सभा चुपचाप होकर बरनबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे कैसे बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों, मेरी सुनो, शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक प्रजा बना ले, और इससे भविष्यद्वक्ताओं की बातें मिलती हैं, जैसा लिखा है कि इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा
और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढें। यह वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख न दें, परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुओं के मांस से और लहू से परे रहें, क्योंकि पुराने समय से नगर नगर मूसा की व्यवस्था के प्रचार करने वाले होते चले आए हैं और वह हर सप्त के दिन आराधनालय में पढ़ी जाती है। तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कई मनुष्यों को चुने, अर्थात यहूदा जो बरसब्बा कहलाता है और सीलास को जो भाइयों में मुखिया थे, और उन्हें पौलुस बरनबास के साथ अंताकिया को भेजे और उनके हाथ ये लिखा भेजा कि अंताकिया और सूर्या और किलकिया के रहने वाले भाइयों को जो अन्य जातियों में से हैं, प्रेरितों और प्राचीन भाइयों का नमस्कार। हमने सुना है कि हम में से कितनों ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया है और तुम्हारे मन उलट दिए हैं, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी, इसलिए हमने एक चित होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्यारे बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं, और हमने यहूदा और सिलास को भेजा है जो अपने मुंह से भी ये बातें कह देंगे। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डालें कि तुम मूर्तों के बलि की हों से, लहू से, गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से परे रहो। इनसे परे रहो तो तुम्हारा भला होगा। आगे शुभ। फिर वे विदा होकर अंताकिया में पहुंचे और सभा को इकट्ठी करके वो पत्री उन्हें देती और वे पढ़कर उस उपदेश की बात से अति आनंदित हुए। और यहूदा और सीलास ने, जो आप भी भविष्य दुक्ता थे, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। वे कुछ दिन रहकर भाइयों से शांति के साथ विदा हुए कि अपने भेजने वालों के पास जाएं। परंतु सीलास को वहां रहना अच्छा लगा और पौलुस और बरनबास अंताकिया में रह गए। वे बहुत और लोगों के साथ प्रभु के वचन का उपदेश करते और सुसमाचार सुनाते रहे। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा कि जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि कैसे हैं। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे, जो पंफूलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ न गया, साथ ले जाना अच्छा ना समझा। सो ऐसा टंटा हुआ कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर कुप्रुस को चला गया, परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह पर सौंपा जाकर वहां से चला गया और कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सूर्या और किलकिया से होते हुए निकला। अध्याय 16। फिर वो दिर्बे और लुस्रा में भी गया और देखो वहां तीमुथियस नाम एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वो लुस्रा और इक्यूनियम के भाइयों में सुनाम था। पौलुस ने चाहा कि वो उसके साथ चले। जो यहूदी लोग उन जगहों में थे, उनके कारण उसे लेकर उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को, जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी, मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और गिनती में प्रतिदिन बढ़ती गई। वे फ्रूगिया और गलतिया देशों में होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया।
उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। सो मूसिया से होकर वे त्रोआस में आए। पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ उनसे विनती करके कहता है कि पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। सो त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहां से हम फिलिपी में पहुंचे, जो मकदूनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सप्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थीं बातें करने लगे। और लुदिया नाम थुआथीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनती थी, और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वो हमें मनाकर ले गई। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी करने वाली आत्मा थी। वो भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेरकर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सीलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। ये ऐसे व्यवहार बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियो के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बैंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बैंत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाला और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भुईडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। और दारोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए, सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। तब वो दिया मंगवाकर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके पांव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया, और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने प्यादों के हाथ कहला भेजा के उन मनुष्य को छोड़ दो। दारोगा ने ये बातें पौलुस से कहकर सुनाई के हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, सो अब निकल कर कुशल से चले जाओ। परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य हैं दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदी गृह में डाला, और अब क्या हमें चुपके से निकाल देते हैं? ऐसा नहीं,
परंतु वे आप आकर हमें बाहर ले जाएं। प्यादों ने ये बातें हाकिमों से कह दी और वे ये सुनकर के रोमी हैं डर गए और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। वे बंदी गृह से निकलकर लुधिया के यहां गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। अध्याय 17। फिर वे अम्पीपुलिस और अपोलोनिया होकर थिसलुनीके में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था, और पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सप्ताह के दिन तक वो पवित्र शास्त्रों से उनके साथ विवाद करता रहा। वो और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीही को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना आवश्यक था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतेरों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए, परंतु यहूदियों ने ढहा से भरकर बाजारू लोगों में से कई दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ लगाकर नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा, और उन्हें ना पाकर वे ये चिल्लाते हुए यासोन और कितने और भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए कि ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आए हैं। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है और ये सब के सब ये कहते हैं कि यीशु राजा है। ये कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को ये सुनाकर घबरा दिया और उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया में भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिसलुनीके के यहूदियों से भले थे। उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। वे प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें ऐसी ही हैं कि नहीं। सो उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से बहुतों ने विश्वास किया। किंतु जब थिसलुनीके के यहूदी जान गए कि पौलुस बिरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहां भी जाकर लोगों को उकसाने और हलचल मचाने लगे। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए, परंतु सिलास और तिमुथियस वहीं रह गए। पौलुस के पहुंचाने वाले उसे अथेने तक ले गए और सिलास और तिमुथियस के लिए ये आज्ञा लेकर विदा हुए कि उसके पास बहुत शीघ्र आए। जब पौलुस अथेने में उनकी बाट जो रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। सो वो आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। तब इपिकुरी और स्तोईकी पंडितों में से कितने उससे तर्क करने लगे और कितनों ने कहा, ये बकवादी क्या कहना चाहता है? परंतु औरों ने कहा, वो अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वो यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तब वे उसे अपने साथ अरियोपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि ये नया मत जो तू सुनाता है क्या है? क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब अथेनवी और परदेशी जो वहाँ रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। तब पौलुस ने अरियोपगुस के बीच में खड़ा होकर कहा, हे अथेने के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। सो जिसे तुम बिना जाने पूछते हो मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, या किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वो तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं
तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते, चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंशज हैं, सो परमेश्वर का वंश होकर हमें ये समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े हों। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों से आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कितने तो ठट्ठा करने लगे और कितनों ने कहा, ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस उनके बीच में से निकल गया, परंतु कई एक मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें दियोनुसियस अरियोपगी था और दमरिस नाम एक स्त्री थी, और उनके साथ और भी कितने लोग थे। अध्याय 18। इसके बाद पौलुस अथेने को छोड़कर कुरिन्थुस में आया और वहां अक्विला नाम एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुंतुस का था और अपनी पत्नी प्रिस्कल्ला समेत इतालिया से नया आया था, क्योंकि क्लौदियस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी। सो वो उनके यहां गया और उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वो उनके साथ रहा और वे काम करने लगे, और उनका उद्यम तंबू बनाने का था, और वो हर एक सप्त के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। जब सिलास और तिमुथियस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में लगकर यहूदियों को गवाही देता था कि यीशु ही मसीह है, परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लोहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूँ, अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। और वहां से चलकर वो तितुस युस्तुस नाम परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया, और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कही जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। सो वो उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। जब गल्लियो अखाया देश का हाकिम था तो यहूदी लोग एका करके पौलुस पर चढ़ाए और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे, ये लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करें जो व्यवस्था के विपरीत है। जब पौलुस बोलने पर था तो गल्लियो ने यहूदियों से कहा, हे यहूदियों, यदि यह कुछ अन्याय या दुष्टता की बात होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता, परंतु यदि ये वाद विवाद शब्दों और नामों और तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था के विषय में है तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्याय बनना नहीं चाहता। और उसने उन्हें न्याय आसन के सामने निकलवा दिया। तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सोस्तिनेस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, परंतु गल्लियो ने इस बातों की कुछ भी चिंता न की। सो पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किंक्रिया में इसलिए सिर मुंडाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सूर्या को चल दिया, और उसके साथ प्रिस्कल्ला और अविकला थे, और उसने इफिसुस में पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और आप ही आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। जब उन्होंने उससे विनती की कि हमारे साथ और कुछ दिन रहे तो उसने स्वीकार ना किया, परंतु ये कहकर उनसे विदा हुआ कि यदि परमेश्वर चाहे तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। तब इफिसुस से जहाज खोलकर चल दिया
और केसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को नमस्कार करके अंताकिया में आया। फिर कुछ दिन रहकर वहां से चला गया और एक ओर से गलतिया और फ्रूगिया में सब चेलों को स्थिर करता फिरा। अपुल्लोस नाम एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। वो केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वो आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्कल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। और जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढांढस देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिलें, और उसने पहुंचकर वहां उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वो पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। अध्याय 19। और जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था, तो पौलुस ऊपर के सारे देश से होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। सब लगभग 12 पुरुष थे, और वो आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कितनों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़कर चेलों को अलग कर लिया, और वो प्रतिदिन तुरन्नुस की पाठशाला में विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया, और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। यहाँ तक कि लोग रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छुलवाकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं, दुष्ट आत्माएं भी उनसे निकल जाया करती थीं। वहां कुछ यहूदी थे जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे। वे लोग जिनमें दुष्ट आत्माएं हों, उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूकने लगे कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, हम तुम्हें उसी की शपथ देते हैं। सिक्वा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। दुष्ट आत्मा ने उनसे कहा, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। ये बात इफिसुस के रहने वाले यहूदी और यूनानी भी सब जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया, और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 रुपए की निकली। जो प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठाना कि वो मकिदुनिया और अखाया से होकर यरूशलेम को जाए। उसने कहा कि वहां जाने के बाद उसे रोमा को भी देखना आवश्यक है। सो अपनी सेवा करने वालों में से
तिमुथिस और एरातुस को मकदुनिया में भेजकर आप कुछ दिन आसिया में रह गया। उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ, क्योंकि देमेत्रियुस नाम का एक सुनार अर्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। उसने उनको और ऐसी ही अन्य वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठे करके कहा, हे मनुष्य, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है, और तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं वरन सारे आसिया में ये कह कह कर इस पौलुस ने बहुत लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी हैं वे ईश्वर नहीं। और अब केवल इसी एक बात का ही डर नहीं कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन ये कि महान देवी अर्तिमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा, और जिसे सारा आसिया और जगत पूजता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। वे ये सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, इफिसियो की अर्तिमिस महान है। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और लोगों ने गयुस और अरिस्तर्खुस मिक दुनिया को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एक चित होकर रंगशाला में दौड़ गए। जब पौलुस ने लोगों के पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने ना दिया। आसिया के हाकिमों में से भी उसके कई मित्रों ने उसके पास कहला भेजा और विनती की कि रंगशाला में जाकर जोखिम न उठाना। सो कोई कुछ चिल्लाया और कोई कुछ, क्योंकि सभा में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी और बहुत से लोग तो ये जानते भी नहीं थे कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। तब उन्होंने सिकंदर को, जिसे यहूदियों ने खड़ा किया था, भीड़ में से आगे बढ़ाया और सिकंदर हाथ से सैन करके लोगों के सामने उत्तर दिया चाहता था, परंतु जब उन्होंने जान लिया कि वो यहूदी है तो सब के सब एक शब्द से कोई दो घंटे तक चिल्लाते रहे कि इफिसियो की अर्तिमिस महान है। तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, हे इफिसियो, कौन नहीं जानता कि इफिसियो का नगर, बड़ी देवी अर्तिमिस के मंदिर और ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूरत का टहलुआ है। सो जबकि इन बातों का खंडन ही नहीं हो सकता, तो उचित है कि तुम चुपके रहो और बिना सोचे विचारे कुछ ना करो, क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो जो ना मंदिर के लूटने वाले हैं और ना हमारी देवी के निंदक हैं। यदि देमेत्रियुस और उसके साथी कारीगरों को किसी से विवाद हो तो कचहरी खुली है और हाकिम भी हैं, वो एक दूसरे पर नालिश करें। परंतु यदि तुम किसी और बात के विषय में कुछ पूछना चाहते हो तो नियत सभा में फैसला किया जाएगा, क्योंकि आज के बलबे के कारण हम पर दोष लगाए जाने का डर है, इसलिए कि इसका कोई कारण नहीं तो हम इस भीड़ के इकट्ठा होने का उत्तर ना दे सकेंगे। और ये कहकर उसने सभा को विदा किया। अध्याय 20। जब हुल्लड़ थम गया तो पौलुस ने चेलों को बुलवाकर समझाया और उनसे विदा होकर मकदुनिया की ओर चल दिया, और उस सारे देश में से होकर और उन्हें बहुत समझाकर वो यूनान में आया। जब 3 महीने रहकर जहाज पर सूर्या की ओर जाने पर था तो यहूदी उसकी घात में लगे, इसलिए उसने ये सलाह की कि मकदुनिया होकर लौट जाए। बिरिया के पुरुरुस का पुत्र सोपत्रुस और थिसलुनिकियों में से अरिस्तर्खुस और सिकुंदुस और दिर्बे का गयुस और तिमुथिस और आसिया का तखिकुस और त्रुफिमुस आसिया तक उसके साथ हो लिए। वे आगे जाकर त्रोआस में हमारी बाट जोड़ते रहे और हम अखमीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिपी से जहाज पर चढ़कर 5 दिन में त्रोआस में उनके पास पहुंचे और 7 दिन तक वहीं रहे। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए
तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई। फिर वो चला गया और वे उस लड़के को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। हम पहले से जहाज पर चढ़कर अस्सुस को इस विचार से आगे गए कि वहां से हम पौलुस को चढ़ा लें, क्योंकि उसने ये इसलिए ठहराया था कि आप ही पैदल जाने वाला था। जब वो अस्सुस में हमें मिला तो हम उसे चढ़ाकर मितुलेने में आए और वहां से जहाज खोलकर हम दूसरे दिन खियूस के सामने पहुंचे और अगले दिन सामुस में लगान किया। फिर दूसरे दिन मिलेतुस में आए, क्योंकि पौलुस ने इफिसुस के पास से होकर जाने की ठानी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे आसिया में देर लगे, क्योंकि वो जल्दी करता था कि यदि हो सके तो उसे पिंतेकुस्त का दिन यरूशलेम में कटे। और उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में से जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। और अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा, केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। और अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे, इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लोहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मंशा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लोहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िये तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चुनौती देना ना छोड़ा, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मीरास दे सकता है। मैंने किसी को चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है, कि पुरुष ने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। ये कहकर उसने घुटने टेके और उन सबके साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए।
और पौलुस के गले में लिपटकर उसे चूमने लगे। वे विशेष करके इस बात का शोक करते थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे, और उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। अध्याय 21। जब हमने उनसे अलग होकर जहाज खोला तो सीधे मार्ग से कोस में आए, और दूसरे दिन रुदूस में, और वहां से पत्रा में, और एक जहाज फीनीके को जाता हुआ मिला और उस पर चढ़कर उसे खोल दिया। जब कुप्रुस दिखाई दिया तो हमने उसे बाएं हाथ छोड़ा और सूर्या को चलकर सूर में उतरे, क्योंकि वहां जहाज का बोझ उतारना था, और चेलों को पाकर हम वहां 7 दिन तक रहे। उन्होंने आत्मा के सिखाए पौलुस से कहा, यरूशलम में पांव ना रखना। जब वे दिन पूरे हो गए तो हम वहां से चल दिए, और सबने स्त्रियों और बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुंचाया, और हमने किनारे पर घुटने टेक कर प्रार्थना की। तब एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर और वे अपने अपने घर लौट गए। तब हम सूर से जल यात्रा पूरी करके पतुलेमियस में पहुंचे, और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहे। दूसरे दिन हम वहां से चलकर केसरिया में आए, और फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो 7ों में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यद्वाणी करती थी। जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नाम एक भविष्यद्वक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का पटका लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा ये कहता है कि जिस मनुष्य का ये पटका है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जब ये बातें सुनी तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को ना जाए, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया कि तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा मन तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। जब उसने ना माना तो हम ये कहकर चुप हो गए कि प्रभु की इच्छा पूरी हो। उन दिनों के बाद हम बांध छांद कर यरूशलेम को चल दिए। केसरिया के भी कितने चेले हमारे साथ हो लिए, और मनासोन नाम कुप्रुस के एक पुराने चेले को साथ ले आए कि हम उसके यहां टिके। जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बड़े आनंद के साथ हमसे मिले। दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया, जहां सब प्राचीन इकट्ठे थे। तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवकाई के द्वारा अन्य जातियों में किए थे एक एक करके सब बताए। उन्होंने ये सुनकर परमेश्वर की महिमा की, फिर उससे कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है, और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं, और उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है, और कहता है कि न अपने बच्चों का खतना कराओ और न रीतियों पर चलो। सो क्या किया जाए, लोग अवश्य सुनेंगे कि तू आया है, इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वह कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है, उन्हें लेकर उनके साथ अपने आप को शुद्ध कर और उनके लिए खर्चा दे कि वे सिर मुंडाएं। तब सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे विषय में सिखाई गईं उनकी कुछ जड़ नहीं है, परंतु तू आप भी व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है। परंतु उन अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, हमने यह निर्णय करके लिख भेजा है कि वे मूर्तों के सामने बलि किए हुए मांस से और लोहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से बचे रहे। तब पौलुस उन मनुष्यों को लेकर और दूसरे दिन उनके साथ शुद्ध होकर मंदिर गया, और बता दिया कि शुद्ध होने के दिन
अर्थात उनमें से हर एक के लिए चढ़ावा चढ़ाए जाने तक के दिन कब पूरे होंगे। जब वे 7 दिन पूरे होने पर थे तो आसिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को उसकाया और यूं चिल्लाकर उसको पकड़ लिया कि हे इसराइलियो, सहायता करो, ये वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था के और स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहाँ तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। उन्होंने तो इससे पहले त्रिफिमुस इफिसी को उसके साथ नगर में देखा था और समझते थे कि पौलुस उसे मंदिर में ले आया है। तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद किए गए। जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। तब वो तुरंत सिपाहियों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया और उन्होंने पलटन के सरदार को और सिपाहियों को देखकर पौलुस को मारने पीटने से हाथ उठाया। तब पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर पूछने लगा, ये कौन है और इसने क्या किया है? परंतु भीड़ में से कोई कुछ और कोई कुछ चिल्लाते रहे और जब हुल्लड़ के मारे ठीक सच्चाई ना जान सका तो उसे गढ़ में ले जाने की आज्ञा दी। जब वो सीढ़ी पर पहुंचा तो ऐसा हुआ कि भीड़ के दबाव के मारे सिपाहियों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा, क्योंकि लोगों की भीड़ ये चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी कि उसका अंत कर दो। जब वे पौलुस को गढ़ में ले जाने पर थे तो उसने पलटन के सरदार से कहा, क्या मुझे आज्ञा है कि मैं तुमसे कुछ कहूँ? उसने कहा, क्या तू यूनानी जानता है? क्या तू वह मिस्री नहीं जो इन दिनों से पहले बलवाई बनाकर 4,000 कटार बंद लोगों को जंगल में ले गया? पौलुस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूँ, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ, और मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे लोगों से बातें करने दे। जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से सैन किया। जब वे चुप हो गए तो वो इब्रानी भाषा में बोलने लगा कि अध्याय 22। हे भाइयों और पितरों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो जो मैं अब तुम्हारे सामने कहता हूँ। वे ये सुनकर कि वो हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है और भी चुप रहे। तब उसने कहा, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलियल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था जैसे तुम सब आज लगाए हो, और मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध बांध कर और बंदी गृह में डाल डाल कर इस पंथ को यहां तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। इस बात के लिए महायाजक और सब पुरानिये गवाह हैं कि उनमें से मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहां हूं उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांधकर यरूशलेम में लाऊं। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाउल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है, और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब कह दिया जाएगा। जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई ना दिया तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया। हननयाह नाम का व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां के रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था मेरे पास आया
और खड़ा होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल। फिर देखने लग, उसी खड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया और उसको देखा कि मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही ना मानेंगे। मैंने कहा, हे प्रभु, वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदी गृह में डालता और जगह जगह आराधनालय में पिटवाता था। जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लोहू बहाया जा रहा था तब मैं भी वहां खड़ा था और इस बात में सहमत था और उसके घातकों के कपड़ों की रखवाली करता था। और उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। वे इस बात तक उसकी सुनते रहे, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए कि ऐसे मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं। जब वे चिल्लाते और कपड़े फेंकते और आकाश में धूल उड़ाते थे तो पलटन के सूबेदार ने कहा कि इसे गढ़ में ले जाओ और कोड़े मार कर जांचो कि मैं जानूं कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसे चिल्ला रहे हैं। जब उन्होंने उसे तस्मों से बांधा तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या ये उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को और वो भी बिना दोषी ठहराए हुए कोड़े मारूं? सूबेदार ने ये सुनकर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा, तू ये क्या करता है, ये तो रोमी मनुष्य है। तब पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता, क्या तू रोमी है? उसने कहा, हाँ। ये सुनकर पलटन के सरदार ने कहा कि मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपए देकर पाया है। पौलुस ने कहा, मैं तो जन्म से ही रोमी हूँ। तब जो लोग उसे जांचने पर थे वे तुरंत उसके पास से हट गए और पलटन का सरदार भी ये जानकर कि ये रोमी है और मैंने उसे बांधा है डर गया। दूसरे दिन वो ठीक ठीक जानने की इच्छा से कि यहूदी उस पर क्यों दोष लगाते हैं, उसके बंधन खोल दिए और महायाजकों और सारी महासभा को इकट्ठे होने की आज्ञा दी और पौलुस को नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। अध्याय 23। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। हनन्याह महायाजक ने उनको जो उसके पास खड़े थे उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। तब पौलुस ने उससे कहा, हे चूना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा, तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा कहता है? पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि ये महायाजक है, क्योंकि लिखा है कि अपने लोगों के प्रधान को बुरा ना कहे। तब पौलुस ने ये जानकर कि कितने सदूकी और कितने फरीसी हैं, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ, मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। जब उसने ये बात कही तो फरीसियों और सदूकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी तो ये कहते हैं कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा है, परंतु फरीसी दोनों मानते हैं। तब बड़ा हल्ला मचा और कितने शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे उठकर यूं कहकर झगड़ने लगे कि हम इस मनुष्य में कुछ बुराई नहीं पाते और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोला है तो फिर क्या। जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वो पौलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर डालें, पलटन को आज्ञा दी कि
उतर कर उसको उनके बीच में से बरबस निकालो और गढ़ में ले आओ। उसी रात प्रभु ने उसके पास आ खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। जब दिन हुआ तो यहूदियों ने एका किया और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार ना डालें, तब तक खाएं या पिएं तो हम पर धिक्कार। जिन्होंने आपस में ये शपथ खाई थी वे 40 जनों के ऊपर थे। उन्होंने महायाजकों और पुरनियों के पास आकर कहा, हमने ये ठाना है कि जब तक हम पौलुस को मार ना डालें, तब तक यदि कुछ चखे भी तो हम पर धिक्कार है। इसलिए अब महासभा समेत पलटन के सरदार को समझाओ कि उसे तुम्हारे पास ले आए, मानो कि तुम उसके विषय में और भी ठीक जांच करना चाहते हो, और हम उसके पहुंचने से पहले ही उसे मार डालने के लिए तैयार रहेंगे। और पौलुस के भांजे ने सुना कि वे उसकी घात में हैं, तो गढ़ में जाकर पौलुस को संदेश दिया। पौलुस ने सूबेदारों में से एक को अपने पास बुलाकर कहा, इस जवान को पलटन के सरदार के पास ले जाओ, ये उससे कुछ कहना चाहता है। सो उसने उसको पलटन के सरदार के पास ले जाकर कहा, पौलुस बंधुए ने मुझे बुलाकर विनती की कि ये जवान पलटन के सरदार से कुछ कहना चाहता है, उसे उसके पास ले जा। पलटन के सरदार ने उसका हाथ पकड़कर और अलग ले जाकर पूछा, मुझसे क्या कहना चाहता है? उसने कहा, यहूदियों ने एका किया है कि तुझसे विनती करें कि कल पौलुस को महासभा में लाए, मानो तू और ठीक से उसकी जांच करना चाहता है, परंतु उनकी मत मानना, क्योंकि उनमें से 40 के ऊपर मनुष्य उसकी घात में हैं, जिन्होंने यह ठान लिया है कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें, तब तक खाएं पिएं तो हम पर धिक्कार, और अभी भी तैयार हैं और तेरे वचन की आस देख रहे हैं। तब पलटन के सरदार ने जवान को ये आज्ञा देकर विदा किया कि किसी से ना कहना कि तूने मुझको ये बातें बताई हैं। और 2 सूबेदारों को बुलाकर कहा, 200 सिपाही, 70 सवार और 200 भाले प्रहर रात बीते कैसरिया को जाने के लिए तैयार कर रखो, और पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार रखो कि उसे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचा दें। उसने इस प्रकार की चिट्ठी भी लिखी, महाप्रतापी फेलिक्स हाकिम को क्लौडियस लूसियास का नमस्कार। इस मनुष्य को यहूदियों ने पकड़कर मार डालना चाहा, परंतु जब मैंने जाना कि रोमी है तो पलटन लेकर छुड़ा लाया, और मैं जानना चाहता था कि वे उस पर किस कारण दोष लगाते हैं, इसीलिए उसे उनकी महासभा में ले गया। तब मैंने जान लिया कि वे अपनी व्यवस्था के विवादों के विषय में उस पर दोष लगाते हैं, परंतु मार डाले जाने या बांधे जाने के योग्य उसमें कोई दोष नहीं। और जब मुझे बताया गया कि वे इस मनुष्य की घात में लगे हैं, तो मैंने तुरंत उसको तेरे पास भेज दिया, और मुद्दियों को भी आज्ञा दी कि तेरे सामने उस पर नालिश करें। सो जैसे सिपाहियों को आज्ञा दी गई थी, वैसे ही पौलुस को लेकर रातों रात अंतिपत्रिस में लाए। दूसरे दिन वे सवारों को उसके साथ जाने के लिए छोड़कर आप घर को लौटे। उन्होंने कैसरिया में पहुंचकर हाकिम को चिट्ठी दी और पौलुस को भी उसके सामने खड़ा किया। उसने पढ़कर पूछा, यह किस देश का है? और जब जान लिया कि किलकिया का है, तो उससे कहा, जब तेरे मुद्दई भी आएंगे तो मैं तेरा मुकदमा करूंगा। और उसने उसे हेरोदेस के किले में पहरे में रखने की आज्ञा दी। 24वां अध्याय। 5 दिन के बाद हननयाह महायाजक कई पुरनियों और तिरतुल्लुस नाम किसी वकील को साथ लेकर आया। उन्होंने हाकिम के सामने पौलुस पर नालिश की। जब वो बुलाया गया तो तिरतुल्लुस उस पर दोष लगाकर कहने लगा कि हे महाप्रतापी फेलिक्स, तेरे द्वारा हमें जो बड़ा कुशल होता है, तेरे प्रबंध से इस जाति के लिए कितनी बुराइयां सुधरती जाती हैं, इसको हम हर जगह और हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हैं,
परंतु इसलिए कि तुझे और दुख नहीं देना चाहते, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि कृपा करके हमारी दो एक बातें सुन ले। क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा कराने वाला और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है, उसने मंदिर को अशुद्ध करना चाहा और हमने उसे पकड़ा। इन सब बातों को जिनके विषय में हम उस पर दोष लगाते हैं, तू आप ही उसकी जांच करके जान लेगा। यहूदियों ने भी उसका साथ देकर कहा, बातें इसी प्रकार की हैं। जब हाकिम ने पौलुस को बोलने के लिए सैन किया तो उसने उत्तर दिया, मैं ये जानकर कि तू बहुत वर्षों से इस जाति का न्याय करता है, आनंद से अपना प्रत्युत्तर देता हूँ। तो आप जान सकता है कि जब से मैं यरूशलेम में भजन करने को आया, मुझे 12 दिन से ऊपर नहीं हुए, और उन्होंने मुझे ना मंदिर में, ना सभा के घरों में, ना नगर में किसी से विवाद करते या भीड़ लगाते पाया, और ना तो वे उन बातों को जिनका वे अब मुझ पर दोष लगाते हैं तेरे सामने सच ठहरा सकते हैं। परंतु ये मैं तेरे सामने मान लेता हूँ कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं, उसी की रीति पर मैं अपने बाप दादों के परमेश्वर की सेवा करता हूँ, और जो बातें व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों में लिखी हैं, उन सब की प्रतीति करता हूँ, और परमेश्वर से आशा रखता हूँ, जो वे आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। बहुत वर्षों के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुंचाने और भेंट चढ़ाने आया था। उन्होंने मुझे मंदिर में शुद्ध दशा में बिना भीड़ के साथ और बिना दंगा करते हुए इस काम में पाया। हाँ, आसिया के कई यहूदी थे, उनको उचित था कि यदि मेरे विरोध में उनकी कोई बात हो तो यहाँ तेरे सामने आकर मुझ पर दोष लगाते। या ये आप ही कहें कि जब मैं महासभा के सामने खड़ा था तो उन्होंने मुझ में कौन सा अपराध पाया? इस एक बात को छोड़ जो मैंने उनके बीच में खड़े होकर पुकार कर कहा था कि मरे हुओं के जी उठने के विषय में आज मेरा तुम्हारे सामने मुकदमा हो रहा है। फेलिक्स ने, जो इस पंथ की बातें ठीक ठीक जानता था, उन्हें ये कहकर टाल दिया कि जब पलटन का सरदार लूसियास आएगा तो तुम्हारी बात का निर्णय करूंगा, और सूबेदार को आज्ञा दी कि पौलुस को सुख से रखकर रखवाली करना और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से न रोकना। कितने दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को, जो यहूदनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। और जब वो धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा करता था तो फेलिक्स ने भयमान होकर उत्तर दिया कि अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। उसे पौलुस से कुछ रुपए मिलने की भी आस थी, इसलिए और भी बुला बुलाकर उससे बातें किया करता। परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो पुर्कियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंधुआ छोड़ गया। 25वां अध्याय। फेस्तुस उस प्रांत में पहुंचकर 3 दिन के बाद केसरिया से यरूशलेम को गया। तब महायाजकों ने और यहूदियों के बड़े लोगों ने उसके सामने पौलुस की नालिश की और उससे विनती करके उसके विरोध में ये वर चाहा कि वो उसे यरूशलेम में बुलवाए, क्योंकि वे उसे रास्ते ही में मार डालने की घात लगाए हुए थे। फेस्तुस ने उत्तर दिया कि पौलुस कैसरिया में पहरे में है और मैं आप जल्दी वहां जाऊंगा। फिर कहा, तुम में जो अधिकार रखते हैं वे साथ चलें, और यदि इस मनुष्य ने कुछ अनुचित काम किया है तो उस पर दोष लगाएं। और उनके बीच कोई 8-10 दिन रहकर वो केसरिया गया और दूसरे दिन न्याय आसन पर बैठकर पौलुस के लाने की आज्ञा दी। जब वो आया तो जो यहूदी यरूशलेम से आए थे उन्होंने आसपास खड़े होकर उस पर बहुतेरे भारी दोष लगाए, जिनका प्रमाण वे नहीं दे सकते थे। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया कि मैंने ना तो यहूदियों की व्यवस्था का और न मंदिर का और न कैसर का कुछ अपराध किया है। तब फेस्तुस ने यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को उत्तर दिया, क्या तू चाहता है कि यरूशलेम को जाएं
और वहाँ मेरे सामने तेरा ये मुकदमा तय किया जाए। पौलुस ने कहा, मैं कैसर के न्याय आसन के सामने खड़ा हूँ, मेरे मुकदमे का यही फैसला होना चाहिए। जैसा तू अच्छी तरह जानता है, यहूदियों का मैंने कुछ अपराध नहीं किया। यदि अपराधी हूँ और मार डाले जाने योग्य कोई काम किया है तो मरने से नहीं मुकरता, परंतु जिन बातों का ये मुझ पर दोष लगाते हैं, यदि उनमें से कोई बात सच ना ठहरे तो कोई मुझे उनके हाथ नहीं सौंप सकता। मैं कैसर की दोहाई देता हूँ। तब फेस्तुस ने मंत्रियों की सभा के साथ बातें करके उत्तर दिया, तूने कैसर की दोहाई दी है, तू कैसर के पास जाएगा। और कुछ दिन बीतने के बाद अग्रिप्पा राजा और बिरनीके ने कैसरिया में आकर फेस्तुस से भेंट की, और उनसे बहुत दिन वहां रहने के बाद फेस्तुस ने पौलुस की कथा राजा को बताई कि एक मनुष्य है जिसे फेलिक्स बंधुआ छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो महायाजक और यहूदियों के पुरनियों ने उसकी नालिश की और चाहा कि उस पर दंड की आज्ञा दी जाए, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया कि रोमियो की ये रीति नहीं कि किसी मनुष्य को दंड के लिए सौंप दें, जब तक मुद्दालय को अपने मुद्दइयों के आमने सामने खड़े होकर दोष की उत्तर देने का अवसर ना मिले। सो जब वे यहाँ इकट्ठे हुए तो मैंने कुछ देर ना की, परंतु दूसरे ही दिन न्याय आसन पर बैठकर उस मनुष्य को लाने की आज्ञा दी। जब उसके मुद्दई खड़े हुए तो उन्होंने ऐसी बुरी बातों का दोष नहीं लगाया जैसा मैं समझता था, परंतु अपने मत के और यीशु नाम किसी मनुष्य के विषय में जो मर गया था और पौलुस उसको जीवित बताता था विवाद करते थे, और मैं उलझन में था कि इन बातों का पता कैसे लगाऊं। इसलिए मैंने उससे पूछा, क्या तू यरूशलेम जाएगा कि वहां इन बातों का फैसला हो? परंतु जब पौलुस ने दुहाई दी कि मेरे मुकदमे का फैसला महाराजा दिराज के यहाँ हो, तो मैंने आज्ञा दी कि जब तक उसे कैसर के पास ना भेजूं, उसकी रखवाली की जाए। जब अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, मैं भी उस मनुष्य की सुनना चाहता हूँ, उसने कहा, तू कल सुन लेगा। सो दूसरे दिन जब अग्रिप्पा और बिरनीके बड़ी धूमधाम से आकर पलटन के सरदारों और नगर के बड़े लोगों के साथ दरबार में पहुंचे, तो फेस्तुस ने आज्ञा दी कि वे पौलुस को ले आएं। फेस्तुस ने कहा, हे महाराजा अग्रिप्पा और हे सब मनुष्यों जो यहाँ हमारे साथ हो, तुम इस मनुष्य को देखते हो जिसके विषय में सारे यहूदियों ने यरूशलेम में और यहाँ भी चिल्ला चिल्लाकर मुझसे विनती की कि इसका जीवित रहना उचित नहीं, परंतु मैंने जान लिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि मार डाला जाए, और जबकि उसने आप ही महाराजा दिराज की दुहाई दी तो मैंने उसे भेजने का उपाय निकाला, परंतु मैंने उसके विषय में कोई ठीक बात नहीं पाई कि अपने स्वामी के पास लिखूं। इसलिए मैं उसे तुम्हारे सामने और विशेष करके हे महाराजा अग्रिप्पा तेरे सामने लाया हूं कि जांचने के बाद मुझे कुछ लिखने को मिले, क्योंकि बंधुए को भेजना और जो दोष उस पर लगाए गए उन्हें ना बताना मुझे व्यर्थ समझ पड़ता है। 26वां अध्याय। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा कि हे राजा अग्रिप्पा, जितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूँ, विशेष करके इसलिए कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों को जानता है। सो मैं विनती करता हूँ, धीरज से मेरी सुन ले। जैसा मेरा चाल चलन आरंभ से अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में था, ये सब यहूदी जानते हैं। वे यदि गवाही देना चाहें तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चला, और अब उस प्रतिज्ञा की आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से की थी, मुझ पर मुकदमा चल रहा है। उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे बारहों गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। हे राजा, इसी आशा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, जबकि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है, तो तुम्हारे यहाँ ये बात क्यों विश्वास के योग्य नहीं समझी जाती? मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया,
और महायाजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था, और हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिला कर यीशु की निंदा करवाता था। यहां तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। इसी धुन में जब मैं महायाचकों से अधिकार और परवाना लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी, और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे कहते हुए ये शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिलास पाएं। सो हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली, परंतु पहले दमिश्क के फिर यरूशलेम के रहने वालों को, तब यहूदिया के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर मन फिराव के योग्य काम करो। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़कर मार डालने का यत्न करते थे। सो परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूं और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूं, और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्य वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली हैं, कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। जब वो इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु उसने कहा, हे महाप्रतापी फेस्तुस, मैं पागल नहीं, परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ ये बातें जानता है, और मुझे प्रतीति है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना तो कोने में नहीं हुई है। हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्य वक्ताओं की प्रतीति करता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू प्रतीति करता है। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है? पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना ये है कि क्या थोड़े में, क्या बहुत में केवल तू ही नहीं, परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाएं। तब राजा और हाकिम और बिरनी के और उनके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए और अलग जाकर आपस में कहने लगे, ये मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता जो मृत्यु या बंधन के योग्य हो। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि ये मनुष्य कैसर की दुहाई न देता तो छूट सकता था। 27वां अध्याय। जब ये ठहराया गया कि हम जहाज पर इतालिया को जाएं, तो उन्होंने पौलुस और कितने और बंधुओं को भी यूलियस नाम ऑगस्तुस के पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया, और अद्रमुत्तियुम के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की जगहों में जाने पर था चढ़कर हमने उसे खोल दिया, और अरिस्तर्खुस नाम थिस्सलुनीके का एक मकेदूनी हमारे साथ था। दूसरे दिन हमने सैदा में लंगर डाला, और यूलियस ने पौलुस पर कृपा करके उसे मित्रों के यहाँ जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। वहां से जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने के कारण हम कुप्रुस की आड़ में होकर चले, और किलिकिया और पंफुलिया के निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में उतरे। वहां सूबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज इतालिया जाता हुआ मिला, और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। और जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनता से कनिदुस के सामने पहुंचे,
तो इसलिए कि हवा हमें आगे बढ़ने ना देती थी, सलमोने के सामने से होकर त्रेते की आड़ में चले और उसके किनारे किनारे कठिनता से चलकर शुभ लंगर बारी नाम एक जगह पहुंचे, जहां से लसिया नगर निकट था। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, तो पौलुस ने उन्हें ये कहकर समझाया कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज को वरन हमारे प्राणों को भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों में मांझी और जहाज के स्वामी की बढ़कर मानी और वो बंदर स्थान जाड़ा काटने के लिए अच्छा ना था। इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फिनिक्स में पहुंचकर जाड़ा काटे। ये तो क्रेते का एक बंदर स्थान है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो ये समझकर कि हमारा मतलब पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। परंतु थोड़ी देर में वहां से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलीन कहलाती है। जब ये जहाज पर लगी तब वो हवा के सामने ठहर न सका, सो हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। तब कौदा नाम एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनता से डोंगी को वश में कर सके। मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सुरतिस के चोर बालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतार कर बहते हुए चले गए। और जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सामान फेंक दिया। और जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चल रही थी तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वे बहुत उपवास कर चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़ा होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न ये विपत्ति हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि दाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। और देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, दाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। जब 14वीं रात हुई और हम अद्रिया समुद्र में टकराते फिरते थे तो आधी रात के निकट मल्लाहों ने अटकल से जाना कि हम किसी देश के निकट पहुंच रहे हैं और था लेकर उन्होंने 20 पुरसा गहरा पाया और थोड़ा आगे बढ़कर फिर था ली तो 15 पुरसा पाया। जब पथरीली जगहों पर पड़ने के डर से उन्होंने जहाज की पिछाड़ी चार लंगर डाले और भोर का होना मनाते रहे। परंतु जब मल्लाह जहाज पर से भागना चाहते थे और गलही से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार, तो पौलुस ने सूबेदार और सिपाहियों से कहा, यदि वे जहाज पर ना रहे तो तुम नहीं बच सकते। तब सिपाहियों ने रस्से काटकर डोंगी गिरा दी। जब भोर होने पर था तो पौलुस ने ये कह के सबको भोजन करने को समझाया कि आज 14 दिन हुए कि तुम आस देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन न किया, इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी न गिरेगा। और ये कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब वे सब भी ढांढस बांधकर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। जब वे भोजन करके तृप्त हुए तो गेहूं को समुद्र में फेंककर जहाज हल्का करने लगे। जब बिहान हुआ तो उन्होंने उस देश को नहीं पहचाना, परंतु एक खाड़ी देखी जिसका चौरस किनारा था और विचार किया कि यदि हो सके तो इसी पर जहाज को टिकाएं। तब उन्होंने लंगरों को खोलकर समुद्र में छोड़ दिया
और उसी समय पतवारों के बंधन खोल दिए और हवा के सामने अगला पाल चढ़ाकर किनारे की ओर चले। परंतु दो समुद्र के संगम की जगह पड़कर उन्होंने जहाज को टिकाया और गलही तो धक्का खाकर गड़ गई और टल न सकी, परंतु पिछाड़ी लहरों के बल से टूटने लगी। तब सिपाहियों का ये विचार हुआ कि बंधुओं को मार डालें, ऐसा ना हो कि कोई तैर के निकल भागे। परंतु सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका और ये कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूद कर किनारे पर निकल जाएं और बाकी कोई पटरों पर और कोई जहाज की और वस्तुओं के सहारे निकल जाएं और इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। 28वां अध्याय। जब हम बच निकले तो जाना कि ये टापू मिलिते कहलाता है और उन जंगली लोगों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेह के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन जंगलियों ने सांप को उसके हाथ में लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु वे बाट जोहते थे कि वो सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा तो और ही विचार कर कहा, यह तो कोई देवता है। उस जगह के आसपास पुब्लियुस नाम उस टापू के प्रधान की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। पुब्लियुस का पिता ज्वर और आंव लहू से रोगी पड़ा था, सो पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस टापू के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए और उन्होंने हमारा बहुत आदर किया। और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमें अवश्य था जहाज पर रख दिया। 3 महीने के बाद हम सिकंदरिया के एक जहाज पर चल निकले जो उस टापू में जाड़े भर रहा था और जिसका चिन्ह दियुस्कुरी था। सुरकुसा में लंगर डाल करके हम 3 दिन टिके रहे। वहां से हम घूमकर रेगियुस में आए और 1 दिन के बाद दक्षिणी हवा चली। तब दूसरे दिन पुतियुली में आए। वहां हमको भाई मिले और उनके कहने से हम उनके यहां 7 दिन तक रहे और इस रीति से रोम को चले। वहां से भाई हमारा समाचार सुनकर अपियुस के चौक और 3 सराय तक हमारी भेंट करने को निकल आए, जिन्हें देखकर पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और ढांढस बांधा। जब हम रोम पहुंचे तो पौलुस को एक सिपाही के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा हुई। 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के बड़े लोगों को बुलाया और जब वे इकट्ठे हुए तो उनसे कहा, हे भाइयों, मैंने अपने लोगों के या बाप दादों के व्यवहारों के विरोध में कुछ भी नहीं कहा, तो भी बंधुआ होकर यरूशलेम से रोमियों के हाथ सौंपा गया। उन्होंने मुझे जांच कर छोड़ देना चाहा क्योंकि मुझमें मृत्यु के योग्य कोई दोष ना था, परंतु जब यहूदी इसके विरोध में बोलने लगे तो मुझे कैसर की दुहाई देनी पड़ी, ना ये कि मुझे अपने लोगों पर कोई दोष लगाना था। इसलिए मैंने तुमको बुलाया है कि तुमसे मिलूं और बातचीत करूं, क्योंकि इसराइल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूं। उन्होंने उससे कहा, ना हमने तेरे विषय में यहूदियों से चिट्ठियां पाई और ना भाइयों में से किसी ने आकर तेरे विषय में कुछ बताया और ना बुरा कहा। परंतु तेरा विचार क्या है, वही हम तुझसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह इस मत के विरोध में लोग बातें करते हैं। तब उन्होंने उसके लिए 1 दिन ठहराया और बहुत लोग उनके यहाँ इकट्ठे हुए और वो परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्य दुक्ताओं की पुस्तक से यीशु के विषय में समझा समझा कर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। तब कितनों ने उन बातों को मान लिया और कितनों ने प्रतीति ना की। जब आपस में एक मत ना हुए तो पौलुस के इस एक बात के कहने पर चले गए कि
पवित्र आत्मा ने यशायाह के भविष्यद्वक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से अच्छा कहा कि जाकर इन लोगों से कहे कि सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे और देखते तो रहोगे परंतु ना बुझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं, ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। सो तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। जब उसने ये कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहां से चले गए और वो पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा।